जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो भाई आज आप सब ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने अभी अभी 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। उसमें एक सबसे बड़ा गेम जो हम कह सकते हैं पबजी, वो भी बैन किया गया है। भाई क्या कहोगे इसके बारे में? हाँ भाई, मुझे लग रहा है कि मतलब ये जो सारी जो ऐप जो है 118 टोटल ऐप यहाँ पे बैन कर दिए फिर से। और जो भी हमारी जो सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ जो हो रहा था जो, और उनको जो बहुत कुछ कंप्लेंट भी मिली थी गवर्नमेंट को, तो उस हिसाब से उनको एनालाइज करके इन्होंने 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। हाँ तो मतलब भाई बात करें हम पहले थोड़ी एक बात कर ले कि जय वसावड़ा जो कि हमारे गुजरात के जो राइटर है उन्होंने एक ट्वीट किया है। गुजराती में उन्होंने ट्वीट किया है, उसका मतलब मैं हिंदी में बताऊंगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाई वर्चुअली जो टिचक्याओं कर रहे थे पबजी के अंदर, उसको गवर्नमेंट ने वर्चुअली टिचक्याओं कर दिया, मतलब भाई उसको ही मार डाला। क्या कहते हो तो इसके बारे में? हाँ भाई, गवर्नमेंट ने गोली चला दी उन पे और उसको भी वर्चुअली कर दिया, सर्वर बंद कर दिए। अभी जो उसके ऑनलाइन जो सर्वर होते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे, तो वो भी मतलब कि कर दिया। वर्चुअली उसको डिचक्याओं ही कर सही बात है भाई। दिया। तो भाई बात करें अभी हमारे मेन जो टॉपिक पे हम आए, तो गवर्नमेंट ने अभी टोटल 118 ऐप को बैन कर दिया है। मतलब उसमें ज़्यादातर ऐप की बात नहीं हो रही, सबसे बड़ी जो बात हो रही पबजी की, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यंगस्टर के बीच में भाई, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको खेल रहे थे जिस तरह से पबजी को। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पूरा अपना मतलब पब्लिक ऑर्डर डिस्प्ले करके कहा कि भाई ये जो आईटी एक्ट है हमारा, उसका ITA Act 69A के तहत जो ये मतलब जो ये ऐप है वो हमारे गवर्नमेंट के लिए और हमारे नेशन की जो मतलब जो स्वतंत्रता कही जा सकती है उसके लिए वो रिस्क बने थे, जो हमारी स्टेट और जो मतलब इंडिया है उसके लिए सिक्योरिटी के लिए ये काफ़ी खतराजनक साबित हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने 118 ऐप को बैन कर दिया है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए? हाँ भाई, यहाँ पे मतलब जो सेफ गार्ड ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक जो है, मतलब कि जितने भी हमारी जो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक की इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहनी चाहिए, तो उसके लिए वही एक रीज़न है जिसके तहत ये यहाँ पे बैन हुआ है। और जो बात करें तो यहाँ पे उनका ऐसा कहना है कि बहुत सारी कंप्लेंट मिली थी अलग अलग सोर्सेज से, जहाँ पे मोबाइल ऐप्स जो है एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल जो है, वहाँ से जो है वो ट्रांसमिटिंग यूजर्स डेटा इन अनऑथोराइज मैनर, यानी कि अनऑथोराइज मैनर में यूज़र का जो सारा डेटा जो है वो सर्वरों में जा रहा था, जो सर्वर जो है वो इंडिया के बाहर है। तो इसी हिसाब से उन्होंने जिस तरह से एनालाइज़ किया है उस डेटा को, और फिर जो है सारी जो ऐप जो है उसको बैन किया है। और भाई एक बात और भी है कि जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी एक मतलब रिकमेंडेशन भेजा गया था कि ये सब जो ऐप है उनको बैन किया जाए। तो मतलब चारों तरफ से इस तरह से जो मतलब एक तरह से गवर्नमेंट को कहा जा रहा था कि भाई इस तरह से हमारे डेटा का मिसयूज हो रहा है, उसको जो फॉरेन के सर्वर है वहाँ पर भेजा जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने फाइनली उसके ऊपर एक्शन लिया। और हमने पहले भी देखा है कि गवर्नमेंट पिछले थोड़े दिनों से काफ़ी एग्रेसिव मोड पे ऊपर रही है इस चाइनीज़, खास करके चाइनीज़ जो ऐप है उनके खिलाफ। तो एक तरह से अच्छी भी बात कही जा सकती है, एक तरह से गवर्नमेंट ने अच्छा भी काम किया है, और यंगस्टर के लिए थोड़ी मतलब ऐसी सैड बात हो सकती है कि उनको अभी पबजी शायद खेलने को ना मिले भाई। हाँ भाई, वही होने वाला है। जैसे टिकटॉक के वक्त हमने देखा था तो पहले लगा कि मतलब उतना बैन ऐसा नहीं रहेगा कि सर्वर साइड बैन होगा, ऐसा होगा कि प्ले स्टोर से सिर्फ निकल जाएगा, बट ये तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि फाइनली हो जाएगा और सर्वर ही बंद हो जाएगा, तो ऑनलाइन जो प्ले करते हैं वो नहीं हो पाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली उनको बैन कर ही दिया है। राइट। और वैसे देखा जाए तो जो गेमिंग मार्केट हमारा जो इतना बढ़ रहा है इंडिया में, तो उसमें भी पबजी का हाथ है, बट बहुत सारी नई नई गेम आती रहेगी तो उसमें कुछ उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वो भी है भाई। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना का समय जो चल रहा है इसके तहत काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर घर पर बैठे हुए, जो कॉलेज कर रहे हैं स्कूल में जा रहे हैं, तो वो घर पर बैठे बैठे क्या कर रहे, तो काफ़ी ज़्यादा इसके कारण पबजी खेलने का यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लोग खेल रहे थे। और उसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, हमने देखा कि एक थोड़े दिनों पहले हमने न्यूज़ सुना था कि एक बच्चे ने 17 लाख उड़ा दिए पबजी में। एक दो तीन दिन पहले एक न्यूज़ थी कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का मर्डर कर दिया इस गेम के कारण। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरह का माहौल भी क्रिएट हो रहा था, लोगों को जो साइकोलॉजी भी इफेक्ट कर रहा था भाई बच्चों में ये गेम। सही बात है भाई, और वो तो काफ़ी राइट बात है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, लोग जो बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हैं, जो सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं उसके लिए नहीं है, बट जो बहुत ही एक्सेसिव कर रहे थे तो उसके लिए ये अच्छा भी हो सकता है शायद। भाई पबजी की बात करें तो ये पबजी टेंसेंट जो गेम है उन्होंने बनाई है, और बात करिए टेंसेंट गेम की तो ये
चाइना से ताल्लुक़ रखता है। तो कुल मिलाकर कहे तो चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली मतलब एक्शन ले रहा है गवर्नमेंट, क्या कहोगे इसके बारे में? सही बात है भाई। और भी मतलब जितनी भी सारी जो ऐप जो है उसके बारे में अभी हम करें बात, तो बेसिकली वो चाइना के ऊपर उनका टारगेट है कि जितनी भी चाइनीज़ ऐप है उनको एक एक करके ऐसे बंद कर दिया जाए। तो मतलब कुल मिलाकर 118 ऐप है, हम बताएंगे एक एक करके अब भाई। तो उसमें सबसे ज़्यादा बात पबजी की इसलिए हम कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली ऐप है वो ही, या फिर गेम कहे वही ये पबजी है। तो बात करें सभी ऐप की तो मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा। एपुस लॉन्चर प्रो है, एपुस लॉन्चर है, एपुस सिक्योरिटी है, एपुस टर्बो क्लीनर 2020 है, एपुस फ्लैश लाइट है, कट कट करके है, बाइडू बाइडू एक्सप्रेस एडिशन, फिशयू, शेयर सेव, कैम कार्ड, कैम कार्ड बिजनेस, कैम कार्ड फॉर सेल फोर्स, कैम OCR, इन नॉट, वू मीटिंग, सुपर क्लीन, वीचैट रीडिंग, गवर्नमेंट वीचैट, स्मॉल क्यू ब्रश, टेंशन वैक्यूम, P2, वीचैट वर्क, साइबर हंटर, साइबर हंटर लाइट, नाइस आउट, सुपर मेका चैम्पियंस, लाइफ एप आफ्टर, डाउन ऑफ हिल्स, लूडो वर्ल्ड, लूडो सुपरस्टार, भाई लूडो भी इसमें शामिल हो गई है, चेस रश, पबजी मोबाइल लाइट, राइज ऑफ किंगडम, क्रूसेड आर्ट ऑफ कॉन्सर्ट, डेंग टैंक्स, वापाथ, गेम ऑफ सुल्तान, गैलरी वॉल, स्मार्ट एपलॉक, मैसेज ऑफ लॉक, हाइड एपलॉक, एपलॉक, एपलॉक लाइट, ड्यूअल स्पेस, जग जग प्रो, जग जग लाइव, म्यूजिक, म्यूजिक प्लेयर, HD कैमरा, सेल्फी ब्यूटी क्लीनर, वेब ब्राउजर, फास्ट एक्सप्लोरर, वीडियो प्लेयर, फोटो गैलरी, HD एंड एडिटर, म्यूजिक प्लेयर, बास बूस्टर, HD कैमरा, ब्यूटी कैम विथ फिल्टर एंड पैरानोमा, HD कैमरा प्रो, सेल्फी कैमरा, म्यूजिक प्लेयर MP3 एंड 10 बैंड इक्विलाइजर, गैलरी, HD, वेब ब्राउजर सिक्योर एक्सप्लोरर, म्यूजिक प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ऑल फॉर्मेट HD, वीडियो प्लेयर, लेमर लव ऑल ओवर द वर्ल्ड, एमोर वीडियो चैट एंड कॉल ओवर द वर्ल्ड, MV मास्टर, मेक योर स्टेटस एंड वीडियो कमेंट्री। भाई आगे का तुम बताओ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा लिस्ट है, तो धीरे धीरे के हम करके हम बताएंगे। 68 नंबर से आप बताओ भाई। भाई 68 नंबर पे MV मास्टर बेस्ट वीडियो मेकर है एक, और उसके बाद एपस मैसेज है, लाइव यू मीट है, फिर कैरम फ्रेंड्स करके एक जो कैरम की गेम है वो है, लूडो ऑल स्टार है, तो लूडो शायद लूडो किंग नहीं हुए बट दूसरी जो उसकी जो क्लोन ऐप थी उसके जैसी जैसी चाइनीज़ ऐप वो सारी आ गई है। तो बाइक रेसिंग भी एक है, रेंजर ऑफ ऑब्लिवियन है, जेड कैमरा है, गो SMS प्रो है, फिर इसमें ये भी आ गया, यू डिक्शनरी भी आ गया जो भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉपुलर है, है ये डिक्शनरी। राइट, यू डिक्शनरी भी आ गया है, फिर यू लाइक है, 1010 है, मीको चैट, किटी लाइव, मलय सोशल डेटिंग ऐप टू डेट एंड मेट सिंगल्स, अली पे है, अली पे HK जो अली बाबा की जो पेमेंट सिस्टम है तो उसकी उसकी मतलब ऐप वो है। भी चाइना से रिलेटेड ही है। सही बात है भाई। तो मोबाइल एक है, फिर UQ है, फिर रोड ऑफ किंग्स है, सीना न्यूज़, नेटीज़ न्यूज़, पेंगविन FM, मर्डरस परस्यूट, टेंसेंट वॉच लिस्ट, ऐसी टेंसेंट की एक दूसरी ऐप भी है, और लर्न चाइनीज़ AI, यू आर लाइव, लिव क्यू एल्बम, फाइटिंग लैंडलॉर्ड्स, हाई मे टू, मोबाइल लीजेंड्स, VPN फॉर टिकटॉक, VPN फॉर टिकटॉक। तो टिकटॉक बैन हो गया, उसके बाद इन्होंने VPN वाली ऐप भी लाई थी, इसको VPN को भी उन्होंने बैन कर तो दिया। ठीक VPN लगा के लोग यूज़ करें नहीं इसीलिए उस VPN को भी बैन कर दिया है। है। पेंग्यून ई स्पोर्ट लाइव असिस्टेंट है, बाइक क्या कार्स है, फिर IP के ब्यूटी कैमरा प्लस है, पैरेलल स्पेस लाइट है, फिर चीफ ऑलमाइटी है, मार्वल सुपर वॉर है, AFK अरेना है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, क्रूसेडर्स ऑफ लाइट है, माफिया सिटी है, फिर ये ऑन म्यूनी नेटीज़ है, राइड आउट हीरोज़ है, उसके बाद भी अगर हम देखें तो लीजेंड, राइजिंग एम्पायर्स है, अरेना ऑफ वेलर, सोल हंटर, रूल्स ऑफ सर्वाइवल। तो इसमें मुझे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा गेम भी लग रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा जो लिस्ट था जो बैन हुआ था उस वक्त गेम्स काफ़ी कम थी। तो इस बार एक तरफ से कहे तो गवर्नमेंट ने स्पेशल गेम के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए भाई, हाँ भाई और उसमें भी खास करके चाइनीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो ऐप और गेम्स है वो चाइना से रिलेट करते हैं या फिर कुछ ना कुछ तरीके से चाइना से जुड़ी हुई है भाई। हाँ भाई मतलब ना, या ऐसा हो सकता है कि चाइना पे वो डेवलप, चाइना में डेवलप हो रही है तो वो ऐप भी है, या बेसिकली तो चाइना से है मतलब तो कुछ ना भाई कुछ जो रिलेशन बात निकल करें रहा है। हम कहीं ना कहीं तो ये सिक्योरिटी कंसर्न कर ही रही है और कहीं ना कहीं तो हमारा डेटा मतलब कहने का लीक हो ही रहा है, तभी गवर्नमेंट इतने कड़े कदम उठा रही है, क्या बोलोगे? हाँ भाई मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था टिकटॉक के वक्त, तो दूसरे देश भी
उसी की में आ रहा है कि भाई हम टिकटॉक को बैन करें, तो उसका भी रीज़न वही है कि सारे जो लोग जो है उनको अभी खतरा लग रहा है कि चाइना से, कि चाइना जो है जिस तरह से कंट्रोल कर रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन को। भाई एक और ट्वीट मेरे ऐसे देखने में आया था, टेक्निकल गुरु जी जो कि गौरव चौधरी हमारा है भाई है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा भाई आज इंडिया में सभी पेरेंट्स की खुशियाँ x100 हो गई, जैसे उनका एक तरह का बोलने का स्टाइल है x100 वाला। इस तरह से उन्होंने कहा कि इंडिया में सभी पेरेंट्स की खुशियाँ x100 हो गई, तो मतलब भाई एक तरफ से सही कहा उन्होंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पेरेंट्स खास करके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे कि पबजी को लेकर, क्योंकि पूरे दिन बच्चे पबजी पबजी खेल रहे थे तरह हाँ भाई, पबजी का एक से। मतलब एडिक्शन हो गया था काफ़ी लोगों को, तो तो एक तरह से एडिक्शन के अच्छी लिए बात यहाँ पे भी। गवर्नमेंट ने एक गोली दे दी है। तो मतलब भाई मैं तो कहूँगा पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे गेम में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरी तरफ से भाई मैं कहूँगा तो अच्छा कदम उठाया, क्योंकि जिस तरह से हमारे यंगस्टर पूरे दिन पबजी के ऊपर लगे रहते हैं, मतलब उसमें से कुछ मिलता नहीं है लोगों, सिर्फ मतलब टाइम पास करने के लिए खेलते हैं, तो एक तरह से अच्छा कदम कहा जा सकता है गवर्नमेंट की ओर से। सही बात है भाई, और जो लिमिटेड टाइम में खेलते थे उनके लिए अच्छा था, पर अभी वो नहीं खेल पाएंगे तो बहुत सारी दूसरी गेम आती रहेगी, उतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर हमने ये बताया कि टोटल 118 ऐप बैन हो गई है, उसमें खास करके पबजी एंड टेंशन गेम की ओर से जो थी, और कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा ऐप और गेम जो चाइना से रिलेट कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, बैन कर दिया है। और तो यही तक थी हमारी माहिती भाई, यही है ना। बस भाई इतनी सी बात थी, और हमने सारा लिस्ट भी बता दिया है अभी तो, कौन सी ऐप है। आशा करता हूँ सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों के बीच ये मतलब ये फैक्ट पहुँचे, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। ठीक सही बात है भाई, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, पॉडकास्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए है, जय तब हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।